वार्म वेलकम टू झलक। अरे पाल पवार, और आज इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की सारी खबरों पर, जो कि है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। नजर डालते हैं नेशनल न्यूज पर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023। Recently, the 7th edition of India Mobile Congress 2023 was inaugurated by the Ministry for Communications and Cellular Operators Association of India. Key points: the theme of the IMC 2023 is Global Digital Innovation, seeks to establish India as a leading technology developer, telecom manufacturer and exporter. यानी कि IMC 2023 का विषय जो है वो है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, जिसका उद्देश्य भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी डेवलपर, दूरसंचार निर्माता और निर्यातक के रूप में स्थापित करना है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 एक प्रोमिनेंट एनुअल इवेंट है जो मोबाइल डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और नवाचारों को प्रदर्शित करता है। ये इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट्स और स्टेक होल्डर्स के लिए एक साथ आने और डिजिटल लैंडस्केप के फ्यूचर पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। इंडिया हैज विटनेस रिमार्केबल प्रोग्रेस इन सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर, सच एज द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, द रोल आउट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द रोड मैप फॉर 6G. IMC 2023 focuses on nurturing an innovative ecosystem by facilitating collaborations between industry leaders, startups and academia. Rising water levels in the Yamuna River. वातावरण की बात करें तो दिल्ली में इस समय यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण गंभीर जल जमाव संकट यानी कि वाटर लॉगिंग क्राइसिस का सामना दिल्ली को करना पड़ रहा है। The water level has surged to 208.13 meters, marking the highest recorded level since 1963. आपको बता दें, ये जल स्तर बढ़कर 208.13 मीटर हो गया है, जो 1963 के बाद सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड लेवल रहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब जैसे ऊपरी राज्यों में हाल ही में हुई भारी बारिश को यमुना नदी के बढ़ते स्तर का मुख्य कारण माना जा रहा है। दिल्ली में यमुना के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज ने बारिश के कारण पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ा है। यमुना के बढ़े हुए जलस्तर के कारण दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं और ट्रांसपोर्टेशन और जल आपूर्ति भी बाधित हुई। आपको बता दें, इसके अलावा दिल्ली में यमुना के बढ़ते स्तर के कारण 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को बंद करने के बाद आपूर्ति में 25% की कटौती करने का फैसला किया है। न्यू सैलिन टॉलरेंट प्लांट स्पीशीज। गांधीनगर स्थित गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ने एक रोमांचक खोज की है। जानते हैं इसके बारे में। The researchers have identified a previously unknown species of saltwort named Salsola apostifolia desmontania. This particular saltwort is a perennial shrub that thrives in salty, dry to semi-dry habitats within the Kutch district. This discovery was made based on specimens collected from Khagir Bed, located in the Kutch region of the Gujarat. FSSAI promotes millets in armed forces. The Ministry of Defense and the Food Safety and Standards Authority of India have signed a memorandum of understanding to promote the use of millets and healthy eating practices among the armed forces. Millets are small seeded annual grasses that are rich in nutrients, drought resistant and suitable for semi-arid regions. आपको बता दें कि भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है और वैश्विक उत्पादन में 20% का योगदान देता है। भारत की बाजरा क्रांति एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य बाजरा के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और छोटे पैमाने में किसानों का समर्थन करना। रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस। रिसेंटली द नीति आयोग हैज रिलीज्ड द 3rd एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स फॉर स्टेट्स UTs, yani Union Territories of India for the year 2022. Tamil Nadu has topped in EPI 2022, followed by Maharashtra and Karnataka. Gujarat, which held the top position in EPI 2021, has been pushed to the 4th slot in EPI 2022. Tamil Nadu's performance in terms of export performance indicators, including the value of exports, export concentration and global market footprint, contributed to its top rank. Uttarakhand secured the top position among the hilly Himalayan states in the EPI 2022, and Haryana topped the chart among the landlocked regions, indicating its preparedness for exports. National Multidimensional Poverty Index. हाल ही में नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि एक प्रोग्रेस रिव्यू 2023 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं।
The report has been prepared based on the latest National Family Survey, National Family Health Survey 5, 2019-21, and is the second edition of the National Multidimensional Poverty Index. It has three equally weighted dimensions, that is health, education and standard of living. India's population living in multidimensional poverty decreased from 24.85% in 2015-16 to 14.96% in 2019-2021, reflecting a decline of 9.89% points. Green hydrogen RE projects in India. The European Investment Bank has announced its support for India's national green hydrogen mission by offering a loan facility of up to 1 euro billion. India's national green hydrogen mission green hydrogen ke utpadan aur paristhitiki tantr ko badhana chahta hai. Isse sarkar ka lakshya 2030 tak prati varsh kam se kam 5 million ton green hydrogen ka utpad karne ki kshamta sthapit karna hai. The EBI, also known as the EU Bank, is committed to supporting transformative private and public investments across India. India holds strategic importance for the EIB, which is evident from the establishment of its regional representation for South Asia in the country. New evidence of false pine in clouds of Venus. हवाई की मौना किया ऑब्जर्वेटरी में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप का उपयोग करने से पहले वैज्ञानिकों ने वीनस के वायुमंडल में ज्यादा गहरे स्तर पर फॉस्फीन का पता लगाया है. साइंटिस्ट इन 2020 डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फीन गैस इन द क्लाउड्स ऑफ वीनस. आपको बता दें, इस खोज से वीनस पर जीवन की उपस्थिति के बारे में बहुत बहस और उत्साह पैदा हुआ है, ये देखते हुए कि फॉस्फीन पृथ्वी पर जैविक गतिविधि से जुड़ा एक मॉलिक्यूल है. Phosphine on Earth is known to be synthesized by bacteria thriving in environments with extremely low levels of oxygen. International relations. PM Modi gives sitar to French president. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को उनकी दो दिवसीय फ्रांस यात्रा के दौरान एक उपहार दिया है, जो है एक चंदन का सितार. The remarkable replica of a musical instrument showcases the traditional art of sandalwood carving that has been a cherished practice in southern India for countless generations. आपको बता दें, इस सजावटी सितार में देवी सरस्वती की नकाशी है, जो सितार वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करती है और ज्ञान, संगीत, कला, भाषण, ज्ञान और सीखने का प्रतीक है. एडिशनली, द सितार बेयर्स एन इमेज ऑफ लॉर्ड गणेशा, द डाइटी नोन फॉर रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स. इसके अलावा पीएम मोदी ने पोचमपल्ली रेशम एकत कपड़ा उपहार में दिया, जो अपने जीवंत रंगों और जटिल डिजाइनों के लिए मशहूर है. रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस. UNAIDS रिपोर्ट 2022. A recent report titled The Path That Ends AIDS by the Joint United Nations Program on HIV/AIDS, UNAIDS, sheds light on the progress made in combating, reveals the ongoing challenges and progress in the global fight against acquired immunodeficiency syndrome, that is AIDS, and immunodeficiency virus HIV. Joint United Nations Program द्वारा The Path That Ends AIDS इससे निपटने में हुई प्रगति पर प्रकाश डालती है, जिससे AIDS और HIV के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में चल रही चुनौतियों और प्रगति का पता चलता है. AIDS claimed a life every minute in 2022. Approximately 9.2 million people living with HIV worldwide lacked access to treatment in 2022. 29.8 million out of 39 million people living with HIV globally are receiving life-saving treatment. The global target of 35 million people receiving HIV treatment by 2025 is within reach if the progress is sustained. Trade and Commerce. Universal Postal Union यानी UPU ने Global Postal Network का इस्तेमाल करके सीमा पार प्रेक्षण के साथ Unified Payment Interface के एकीकरण का मूल्यांकन करने की योजना की घोषणा की है. The evaluation aims to explore the potential of UPI in facilitating secure and efficient international money transfer. UPI offers a secure, convenient and real-time payment experience, making it a promising platform for cross-border remittances. UPI is India's mobile-based fast payment system, which facilitates customers to make round-the-clock payments instantly using a virtual payment address created by the customer. इंडिया-रशिया वंदे भारत डील. हाल ही में भारत-रूस वंदे भारत संयुक्त उद्यम सौदे को रेल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी केनेट रेलवे सॉल्यूशन लिमिटेड के रूप में पुनर्जीवित किया गया है, जिसने रूसी कंपनी मेट्रो वैगन मैश और लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ एक शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए. द जेवी एम्स टू मैन्युफैक्चर 120 वंदे भारत ट्रेन सेट्स. द कंसोर्टियम एम्स टू डेवलप 2 प्रोटोटाइप ट्रेन्स बाय जून 2025, फॉलोड बाय एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 12 टू 18 ट्रेन्स. Maintenance services will be provided for 35 years with a total investment of $1.8 billion for train supply and $2.5 billion for maintenance.
Now, Vande Bharat was India's first attempt adaptation of the train set technology compared with conventional systems of passenger train coaches hauled by separate locomotives. Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture. Recently, delegates worldwide gathered in Rome, Italy, the Food and Agriculture Organization's headquarters for the 19th session of the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture. यानी कि हाल ही में खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों पर आयोग के 19वें सत्र के लिए दुनिया भर में रोम और इटली में खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय में एकत्र हुए। The 5-day session will focus on 3 key topics: a review of work on biodiversity, nutrition and human health, access and benefit sharing for food and agriculture, and digital sequence information for food and agriculture. India extends UPI payments to France. फ्रांस भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली को स्वीकार करने वाले नवीनतम यूरोपीय देशों में से एक है। आपको बता दें, साइंड एग्रीमेंट के साथ फ्रांस जाने वाले भारतीय पर्यटक अब रुपए में लेन देन करने के लिए यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। 13 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस ने एक अभूतपूर्व समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो भारतीय पर्यटकों को रुपए में लेन देन के लिए भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देता है। ये कदम फ्रांस में भारतीय पर्यटकों के लिए भुगतान अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाने, विदेशी मुद्रा ले जाने की आवश्यकता को खत्म करने और सुविधा और लचीलेपन की पेशकश करने के लिए तैयार है। इस समझौते से पहले यूपीआई ने पहले ही सिंगापुर, भूटान, नेपाल और यूएई जैसे देशों में खुद को स्थापित कर लिया था। टाइफून तालिन डिसरप्ट हांगकांग। चीन में साल के पहले ट्रॉपिकल तूफान का अनुभव किया गया जब टाइफून तालिन पूर्वी एशियाई राष्ट्रों में पहुंचा। साउथ चाइना सी विटनेस द ओरिजिन ऑफ टाइफून तालिन कॉजिंग हांगकांग, वियतनाम एंड सदर्न चाइना टू एक्टिवेट देयर डिजास्टर मिटिगेशन मेजर्स। द ग्राउंडिंग ऑफ फ्लाइट्स एंड टेम्पररी हॉल्ट ऑफ ट्रेड इन हांगकांग्स मार्केट्स were implemented, in which the evacuation of over 1,000 people took place. In response to Typhoon Talim, the Hong Kong Observatory issued a storm signal leading to the adjournment of all court hearings in the city. The name Talim was contributed by the Philippines. 25th anniversary of India-France strategic partnership. भारतीय प्रधानमंत्री वेस्टर्न डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ शामिल हुए, जहां भारतीय त्रि सेवाओं के मार्चिंग दल ने भाग लिया। भारतीय वायुसेना के राफेल जेट भी फ्लाई पास्ट का हिस्सा थे। जॉइंट स्टेटमेंट टाइटल 25th एनिवर्सरी ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया टुवर्ड्स द सेंचुरी ऑफ इंडो फ्रेंच रिलेशंस सेट द कोर्स फॉर बायलेटरल रिलेशंस अंटिल 2047, मार्किंग सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स फॉर बोथ नेशंस। द रोड मैप फॉर द रिलेशनशिप इज बिल्ट अपॉन 3 पिलर्स: पार्टनरशिप फॉर सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी, पार्टनरशिप फॉर द प्लैनेट एंड पार्टनरशिप फॉर द पीपल। अब बात करते हैं पीपल न्यूज की, यानी कि कौन लोग थे जो पिछले हफ्ते सुर्खियों में बने रहे और क्यों बने रहे। प्रमोद राव। वित्त मंत्रालय ने सेबी के कार्यकारी निदेशक प्रमोद राव को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। प्रमोद राव ने सेबी के कार्यकारी निदेशक सुजीत प्रसाद का स्थान लिया है, जिन्हें जुलाई 2020 में IFSCA में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रमोद राव ने 15 जुलाई 2022 को सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। सेबी में इस कार्यभार से पहले प्रमोद नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र रहे हैं। प्रमोद ने ICICI बैंक में ग्रुप जनरल काउंसिल का पद संभाला था और ICICI समूह के लिए कानूनी कार्य रणनीतिक निगरानी प्रदान की थी। इससे पहले उन्होंने ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, ICICI प्रूडेंशियल ट्रस्ट लिमिटेड एंड ICICI ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में काम किया था। मिसेस निवृत्ति राय जॉइंड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। शी हैज टेकन ओवर द चार्ज फ्रॉम मिसेस मनमीत के नंदा, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, हु हैड अज्यूम्ड दिस एडिशनल चार्ज ऑफ MD एंड CEO एज इंटरिम इन मार्च 2023। सुश्री राय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं और इन्होंने इंडस्ट्रियल बॉडीज और सरकारी समितियों में नेतृत्व टीम का हिस्सा ये रही हैं और इनके पास इंडस्ट्री एसोसिएशन, बिजनेस लीडर्स और गवर्नमेंट लीडर्स के साथ मिलकर इन्होंने काम करने का एक व्यापक अनुभव लिया है। राकेश पाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। राकेश पाल इज एन एलुमनस ऑफ द इंडियन नेवल अकेडमी एंड जॉइन द इंडियन कोस्ट गार्ड इन जनवरी 1989।
आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने भारतीय नौसेना स्कूल द्रोणाचार्य कोचि में गनली और हथियार प्रणालियों में पेशेवर विशेषज्ञता हासिल की है और यूनाइटेड किंगडम में इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स फायर कंट्रोल सॉल्यूशन कोर्स पूरा किया। राकेश को ICG के प्रथम गनर होने का गौरव प्राप्त है और उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें 2013 में तट रक्षक पदक और 2018 में राष्ट्रपति तट रक्षक पदक मिला है। मिशेल बुल्लॉक, ऑस्ट्रेलियन ट्रेजरर जिम चार्ल्स और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानेस ने घोषणा की है कि मिशेल बुल्लॉक रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख होंगी। ऑस्ट्रेलियन ट्रेजरर जिम चार्ल्स एंड प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानेस अनाउंस मिशेल बुल्लॉक वुड हेड द रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स। Michelle Bullock is an Australian economist who is currently Deputy Governor of the Reserve Bank of Australia. She will be the first woman to hold the role and she also held a variety of senior management positions in the bank. She was an Assistant Governor Currency Advisor for the Currency Group and before that, Head of Payments Policy Department. The Reserve Bank of Australia is Australia's central bank and bank note issuing authority. So friends, that's it for today. मिलते हैं next week झलक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या किसी भी तरह से यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। Also, subscribe to our channel for more videos like this and don't forget to hit the bell icon for updates. Thank you.